महाराष्ट्र यानी मजबूत भारत के निर्माण में अतुलनीय योगदान देने वाले महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र यानी वीर मराठाओं के अथक परिश्रम से सिंचित उर्वर भूमि महाराष्ट्र यानी एक ऐसा वाइब्रेंट राज्य जिसकी अनूठी संस्कृति और विरासत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है एक नई पहचान। भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए रखे गए हैं। ये 9 साल की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसमें भी रेलवे का हिस्सा लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। महाराष्ट्र के लिए भी रेल बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सरकार भारत के लगभग सभी पुराने से पुराने बड़े से बड़े रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रही है। आज भारत में लाखों करोड़ रुपए की लागत से रेलवे को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। आज से आजादी के पहले से जो रेलवे स्टेशन मौजूद था भारत में, अब तक वही रेलवे स्टेशन को हम देखते आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकार भारत के इस अमृत काल के दौरान लगभग सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना चाहती है, और इसी में है महाराष्ट्र, जहां पर महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए सैकड़ों करोड़ों रुपया का बजट आवंटित किया गया है और रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है। वर्तमान में पूरे महाराष्ट्र में करीब करीब 30 से 35 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर काफी ज्यादा भीड़ होता है। इनमें से भी 7 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि ये मुंबई लोकल के अंदर आते हैं। मुंबई में आपको सिर्फ 18 रेलवे स्टेशन ऐसे मिलेंगे जो मुंबई लोकल का पार्ट है, जिनमें सबसे ज्यादा भीड़ होता है, और उसमें से 7 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पूरे देश का करीब करीब 10% हर दिन 80 लाख से ज्यादा यात्री सिर्फ इन 7 रेलवे स्टेशन से सफर करते हैं सिर्फ मुंबई में। यही कारण है कि मुंबई के इन 7 रेलवे स्टेशन को अलग अलग तरीके से रीडेवलपमेंट किया जाता रहा है अकॉर्डिंग टू क्राउड। जैसे कि मुंबई के CSMT में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ठाणे रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, और इन्हीं में से एक रेलवे स्टेशन है अंधेरी रेलवे स्टेशन। अंधेरी रेलवे स्टेशन भी मुंबई का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि अंधेरी रेलवे स्टेशन को किस तरह से रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, क्या इसका नया डिजाइन है, इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या नया खास होने वाला है। ऑल अबाउट अंधेरी न्यू रीडेवलपमेंट रेलवे स्टेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। कई सबको बता दें कि अंधेरी रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे स्टेशन यानी कि पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यह क्षेत्र एक प्रमुख परिवहन और वाणिज्यिक केंद्र में बदल जाएगा। बीजी अंधेरी स्टेशन के पूर्वी हिस्से में 5 ऊंची व्यावसायिक इमारतें बनेगी जो अंधेरी के क्षितिज को आधुनिक रूप देगी। इस पुनर्विकास का उद्देश्य नवी मुंबई की तरह एक संरचना को बनाना है जिसमें स्टेशन के ऊपर खुदरा वाणिज्यिक और रेलवे संचालन को शामिल किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर अपग्रेडेड गोखले ब्रिज के साथ नया स्टेशन परिसर इंटर मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगा। पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन के पुनर्विकास में 3 बेसमेंट स्तरीय पार्किंग, इंटर कनेक्टेड कार्यालय भवन और यहां से गुजरने वाली ब्लू लाइन 1 मेट्रो के साथ मल्टी मॉडल एकीकरण के साथ 5 टावर शामिल है। आपको बता देगा इसकी अंधेरी स्टेशन पीक ऑवर्स के दौरान 7 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, और पुनर्विकास का उद्देश्य प्रत्याशित वृद्धि को प्रबंधित करना है, खासकर मेट्रो के भविष्य के विस्तार के साथ। आइए आपको बताते हैं इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या चीज खास होने वाला है। बेसिकली यहाँ पर आपको 5 से 6 बहुत ही खास चीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5 वाणिज्यिक टावर बनाए जाएंगे। 5 वाणिज्यिक टावर 53,160 वर्ग मीटर में फैले होंगे, जिसमें रेलवे ऑफिस के लिए समर्पित टावर 11,755.52 वर्ग मीटर में फैला होगा। वाणिज्यिक टावरों में रेलवे ऑफिस के लिए अलग से जगह होगी और इन्हें स्टेशन के पूर्वी हिस्से में बनाया जाएगा, जिससे स्काई लाइन को और अधिक आधुनिक लुक मिलेगा और रिटेल, ऑफिस स्पेस और रेलवे नेटवर्क से कनेक्शन पर ध्यान जाएगा। नंबर 2 पर है वास्तुकार। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने स्टेशन के डिजाइन के लिए अष्टापट्टी आर्किटेक्ट को चुना है, जिसका निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। नंबर 3 पर है स्टेशन परिसर का पुनर्विकास, जिसको कि 2 चरणों में किया जा रहा है। चरण 1 में 2.42 लाख वर्ग फीट का स्टेशन क्षेत्र, जिसमें एक कॉन्कोर्स और फुट ओवर ब्रिज शामिल है,
वहीं चरण दो में 5.78 लाख वर्ग फीट का बड़ा वाणिज्यिक विकास, जिसमें भूमिगत पार्किंग के 3 स्तर शामिल हैं। वहीं चौथे नंबर पर मेट्रो के साथ एकीकरण किया जाएगा। यह स्टेशन ब्लू लाइन 1 मेट्रो के साथ एकीकृत होगा। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, यानी कि अंधेरी एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा मुंबई का जहां से मेट्रो भी गुजरेगी। नंबर 5 पर है सभा स्थल। नए परिसर में 22,050 वर्ग मीटर का एक परिसर शामिल होगा जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ेगा, जिससे विभिन्न परिवहन साधनों के बीच निर्बाध आदान प्रदान होगा, जिसमें अलग अलग टिकट वाले और बिना टिकट वाले फुट ओवर ब्रिज शामिल होंगे। नंबर 6 पर है पार्किंग। 3 स्तरीय पार्किंग 6,958.89 वर्ग मीटर में फैली होगी। जैसा कि मिड डे ने पहले बताया था, पश्चिमी रेलवे ने मेट्रो नेटवर्क के भविष्य के विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करने हेतु स्टेशन पर भीड़भाड़ कम करने का कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, मुंबई का अंधेरी रेलवे स्टेशन उन रेलवे स्टेशनों में से एक है जहां पर एक कॉनकॉर्ड के जैसा पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। ये पूरा एक मैदान है जो कि पैसेंजर ट्रैफिक को संभालता है, क्योंकि यहां पर मेट्रो के पैसेंजर भी उतरते हैं। इसके वजह से यहां का जो भीड़ है वो और भी ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा गाइस, आपको बता दें कि अंधेरी मुंबई का एक ऐसा इलाका है जहां पर कई सारे आईटी सेक्टर हैं, जहां पर कई सारे लोग जॉब करने के लिए आते हैं। तो जॉब होल्डर के वजह से भी ये रेलवे स्टेशन हर दिन फुल रहता है। 2-2.5 लाख आदमी आपको हर घंटे वहां पर आन जान करते हुए मिल जाएंगे। तो इसी भीड़ को देखते हुए इस न्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन आप देख पाएंगे कितना खास है। ये न्यू डेवलपमेंट अंधेरी ईस्ट को अंधेरी वेस्ट से एक निर्बाध रूप से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यहाँ पर एक मैसिव कॉनकोर एरिया बनाया जाएगा जो कि एक ही साथ सारे के सारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से आप पूरे स्टेशन में कहीं भी आ जा सकते हैं। आप अगर मेट्रो से सफर करते हैं तो आपको पता होगा मेट्रो का एक अलग से एरिया होता है जहाँ पर सिर्फ मेट्रो आती है। वहाँ पर आपको खाने पीने कोई सामान वहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसका अलग एरिया होता है। ठीक वैसा ही एरिया यहाँ पर होगा। अदरवाइज नॉर्मली स्टेशन में क्या होता है कि आपको वहाँ पर ट्रेन भी आ रही है और वहाँ पर आपको खाने पीने का सामान भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, लेकिन मेट्रो में इस तरह का चीज देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर मेट्रो रुकती है, जहाँ पर आदमी उस पर चढ़ते हैं मेट्रो पर, वो एरिया पूरा खाली होता है। तो इसी को बोलते हैं कॉनकोज एरिया, जो अलग से डेवलप किया जाएगा रेलवे ट्रैक को छोड़ करके। इसके अलावा यहाँ पर 5 कमर्शियल स्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा, जैसा कि मैंने आगे बताया। जिस तरह से आज के टाइम में बाकी के रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, उसी तरह ये भी खास होगा। यहाँ पर आपको हर तरह की आधुनिक सुविधाएं देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट के जैसा आपको फीलिंग आएगा रेलवे स्टेशन पर। अभी अंधेरी रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हर दिन इस रेलवे स्टेशन पर 7-8 लाख लोग आ जाते हैं, और इतनी बड़ी आबादी सिर्फ एक रेलवे स्टेशन पर आना और ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम करना, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल और चैलेंजिंग है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में सब सो जाए लेकिन रेलवे कभी नहीं सोता है, ट्रेन हर दिन चलती है। ट्रेन जब चलती है तो रेलवे स्टेशन पे लोग रहते हैं, और जब रेलवे स्टेशन पे 5-6 लाख डेली लोग आन जान करेंगे तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कैसे किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इसका टेंडर जारी नहीं किया गया है। तो आगे देखते हैं अंधेरी रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कैसे किया जाता है। इसका पूरा प्लान तैयार है, पूरा DPR तैयार है, बस टेंडर जारी करना बाकी है। जैसे ही टेंडर जारी होता है, इस पर काम स्टार्ट होता है, उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस एरिया से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।